हाय, वेलकम टू माय चैनल दुनिया देखो विद सनी। मैं अभी रामेश्वरम में हूँ और अभी यहाँ के प्रसिद्ध लक्ष्मण तीर्थम में आया हूँ। ये लक्ष्मण तीर्थम है, चलिए देखते हैं। मंदिर ही लग रहा है, मंदिर ही होगा। लक्ष्मण क्रिएटेड दिस तीर्थम टू रिजॉल्व हिज सिन, अपने पाप को धोने के लिए ये तीर्थम बनाया था लक्ष्मण जी ने। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। लक्ष्मण जी ने अपना पाप धोने के लिए ये तीर्थ स्थान बनाया था। अब इसका क्या महत्व है ये मैं समझने का कोशिश करूंगा। अभी यहाँ पर तालाब है, चलिए देखते हैं क्या है। प्राप्ति, विवाह प्राप्ति, नाग दोष निवारण के लिए प्रार्थना स्थान, ये स्थान है इन सब चीज़ों के लिए, जैसा कि लिखा हुआ है वहाँ। आइए देखते हैं। यह है श्री नाग नादर मंदिर, पुत्र प्राप्ति। सर, पुत्र प्राप्ति के लिए क्या है यहाँ सिस्टम? प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना की जाती है, उसके लिए क्या करना होगा? जांच ले जाया था, प्रार्थना की जाती है, यथावश्यक दक्षिणा चढ़ाई जाती है। अच्छा, उसे क्या पुत्र प्राप्ति हो जाएगी? विश्वास पर होता है। अच्छा, खर्चा आएगा क्या? लेंगे रुद्राक्ष वगैरह देने का लेने का? कोई नहीं होता है जी, लाइक ये नो एनी फाउंडेशन पार्ट डोनेशन। ओके, 21 रुपीज में भी हो जाएगा? 20 रुपीज में भी हो जाता है, रुद्राक्ष दिया जाता है, बाकी कोई खर्चा जा नहीं, टार्चन वाला मंदिर नहीं है। ओके, दिस इज लक्ष्मण तीर्थम इन रामेश्वरम। बगल में ये पोखर है। ये मंदिर का महत्व क्या है? लक्ष्मण कुंड। लक्ष्मण कुंड, हाँ हाँ, लक्ष्मण का कुंड है। हाँ, लक्ष्मण भुजा, शंकर जी का भुजा घर। यहाँ लक्ष्मण जी ने, केशनाथ अवतार, लक्ष्मण जी ने पाप धोया था यहाँ अपना। लक्ष्मण शंकर जी भुजा घर पूजा किया था, शंकर जी का। ओके, यहाँ पूजा किया था और अपना पाप धोया था लक्ष्मण जी ने। अंदर का अलाउ नहीं किया इन्होंने, तो मैं अंदर का नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ शिव जी का पूजा किया था लक्ष्मण जी ने लंका से आने के बाद, ऐसा पंडित जी ने बताया, और अपना पाप धोया था यहाँ। ये था नज़ारा लक्ष्मण तीर्थम रामेश्वरम से। अब चलते हैं और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।